हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू एंड अदर वीडियो। तो दोस्तों, आज कुछ खास नहीं है, पर अभी एक चीज़ मैंने देखा जो हो रहा है हम लोग के घर के बगल में। तो ये देख सकते हैं, ये जो पाइप बिछा हुआ है ना, ये वाला, तो इसमें से नदी से मशीन के जरिए, एक मशीन है जो पानी सिंचाई के लिए यूज़ करता है ना, तो उसी टाइप का एक मशीन है, उसी से नदी से जो बालू है वो घर के लिए दे रहा है। जो राब बालू होता है ना, जो ऐसे मतलब फ्लोर में देता है, राब बालू जो फ्लोर में देता है उसी के लिए, तो मशीन के जरिए दे रहा है। तो वही दिखा रही है, देखिए पूरा एकदम पाइप सब बिछा हुआ है और मशीन है नदी की तरफ। आप लोग को दिखाया था मेरा मुखर नदी, तो उधर ही मशीन है। तो हम भी सोच रहे हैं उसी को दिखा देते हैं आप लोग को, और मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा, मेरा वीडियो भी बन जाएगा, और आप लोग देख भी पाओगे कि कैसे कर रहा है। तो चलिए वही चलते हैं, आपको मशीन भी दिखाते हैं कैसे क्या कर रहा है। पर पता नहीं, पानी का अंदर का चीज़ तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा, मोबाइल से शूट हो रहा है ये वीडियो, पानी का अंदर का चीज़ मैं दिखा नहीं पाऊँगा। इसलिए ये देखिए, हम लोग के घर के बगल से होते हुए जा रहा है ये पाइप, मतलब जहाँ वो हम लोग का नाना का घर है उसी के घर में बालू दे रहे हैं। तो अभी तो हम लोग देख सकते हैं, ये बागान तो आप देखे होंगे, हम लोग के घर के पीछे जो जंगल है वही जंगल है। चलिए दिखाते हैं आपको वो मशीन, फिर आपको दिखाएंगे जहाँ बालू दे रहा है, मतलब मिट्टी, मतलब जो नीचे का है ना बिल्डिंग घर के लिए, जो बालू सब देता है, मिट्टी सब देता है नीचे, तो उसी के लिए दे रहा है बालू, तो वो भी दिखाएंगे। ये जो मशीन लगा हुआ है वही वाला मशीन, शायद मशीन का आवाज़ तो बहुत हो रहा होगा, फिर भी ये मशीन पानी सिंचाई का ही मशीन है, पर दूसरा टाइप का है। बालू अच्छा से आए, बहुत डीप है भाई, एक आदमी डूब जाएगा पूरा पूरी। ये भाई साहब देखिए, अभी पाइप को उठा रहा है, देखेगा कुछ जबड़ा अटका है कि नहीं, कुछ जंगल अटका होगा तो उसी को साफ कर देगा। अभी ठीक से नहीं सुनाई दे रहा होगा, दोस्तों। तब मशीन तो आप लोग देख लिया, और मैं भी वहाँ से चला आया क्योंकि बहुत भाई आवाज़ इतना कर रहा था कि क्या ही बताऊँ। तो देख लिया ना आप लोग, तो देख लिया ना आप लोग कैसे बालू या बाली जो भी आप लोग बोलते हो, तो भी यही मशीन से आ रहा है। अभी दिखाएंगे आपको ये वही घर पे कहाँ कैसे, मतलब कितना तक दिया है। अभी तो बहुत दिया है, मतलब देखने से पता नहीं चलता है कि बाली आया है, फिर भी आप लोग को दिखा देंगे कि कितना आया है और कितना तक बाकी है। शायद आज भी दिन भर चला जाएगा, कल भी किया था, कल तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो इसलिए आज कर रहा हूँ रिकॉर्ड और आपको भी दिखा देता हूँ। तो चलिए अभी चलते हैं वही घर की ओर जहाँ दे रहे बाली। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ ये वाला पाइप लीक हो गया है, शायद खुल रहा है ना क्या भाई, बहुत प्रेशर आ रहा है ना इसलिए। तो
ये रहा, देख लो। ये वाला देखिए, ये मोटा मोटा सा पाइप, और उधर देखिए वो पानी जा रहा है, पानी जैसा दिख रहा है ना, तो पानी नहीं है, पानी भी आ रहा है साथ साथ बालू भी आ रहा है। और इधर ये वाला जगह भी कंप्लीट करना बाकी है, अभी वो बड़ा वाला जगह होगा, फिर ये वाला फाका वाला जगह, तो फिर यहाँ देगा, देख लेना कैसे होता है ये सब। आप लोग देख लिया ना कैसे होता है, मुझे भी पता नहीं था कि ऐसा भी होता है, तो किसी को पता नहीं था, प्लीज़ बता देना कि ऐसा भी बाली आता है मतलब मशीन से। तो दोस्तों अभी हम जाते हैं, फिर मेरा काम भी है, वो जो मटर का खेत है वहाँ भी वही काम है, वही काम करने जाते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, उसमें भी और भी टाइम लगेगा, एक दो दिन और लगेगा वो काम ख़त्म करने में। तो चलिए पहले मटर का खेत जाते हैं, वहाँ काम थोड़ा सा ख़त्म करते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अपना बकरी की तरफ, बकरी को थोड़ा साइड करने के लिए। ये रहा बकरी, उधर भी है दो ठो, इधर अभी बांध देंगे इसको, एक ठो बांध दिया, अभी और एक ठो है, बांध के फिर चलेंगे मटर खेत में। इन लोग को बार बार इधर उधर बांधना ही पड़ता है, नहीं तो भाई घास नहीं होता है इनके लिए। चलिए पहले बांध लेते हैं, फिर वहाँ चलते हैं खेत में। मेरा काम ख़त्म कर लिया और अभी शाम होने ही वाला है, ये देख लीजिए मैं अपना खेत पे हूँ, ये पीछे है मेरा मटर का खेत, और ये है मेरा हाथ मैला। और अभी हम जाएंगे घर, क्योंकि उधर है वो गाय का बछड़ू, उसको भी लेके जाना है, तो सीधा घर चलते हैं। और सबको गुड इवनिंग अभी ये बोल देता हूँ, क्योंकि घर जाके और भी पता नहीं फ्रेश फ्रेश होके काम धाम होगा, तो इसीलिए। चलिए फिर घर जाके मिलते हैं। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो दोस्तों अभी शाम हो रहा है, तो मैं भी वहाँ खेत चला आया, क्योंकि खेत का काम ख़त्म हुआ था, फिर गाय और बकरी सब भी लाना पड़ा, तो वो सब ला के फ्रेश व्रेश होके अभी बैठा हूँ। तो दिन भर में जो भी दिखाया शायद मुझे पता है कि आप लोग को अच्छा ही लगेगा, और ज़्यादा मतलब वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया कि क्या करूँ और क्या नहीं करूँ, इसलिए। तो अभी जस्ट इस वीडियो को एंड करने वाला हूँ मैं, क्योंकि पता नहीं आज दिन का जो भी वीडियो बनाया मैं कैसा हुआ होगा, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, और जो मशीन आपको दिखाया था वो वाला चीज़ आपको पता था कि या नहीं, तो भी कमेंट करके बता देना। और तो दोस्तों वीडियो को बस यही एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ हाँ एक लाइक कर देना वीडियो के लिए, और सब्सक्राइब भी कर देना वीडियो को। तो बाय बाय, गुड नाइट।